हम सामाजिक विज्ञान में राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिसमें कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले देखेंगे। इसके पहले हमने देखा कि लोकतंत्र और विविधता क्या है। लोकतंत्र और विविधता समझने के बाद आपको समझ में आ गया कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले क्या है। अब यहाँ पर स्मरणीय बातें हम ये देखेंगे कि जाति धर्म जो है वह किस तरह से हम उसको देख सकते हैं और उसको ले सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले, तो यहाँ पर देखेंगे श्रम में लैंगिक विभाजन, श्रम में किस तरह से लैंगिक विभाजन होगा, जैसे लिंग के आधार। यहाँ पर हम देखेंगे घर के अंदर जो अधिकतर काम जो है औरतें करती हैं। फिर यहाँ हम देखेंगे कि जो नारीवादी सत्ता के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर श्रम विभाजन, लैंगिक विभाजन। हमने देखा कि घर का काम ज्यादातर औरतें करेंगी, बाहर का काम जो है मर्द करेंगे। लेकिन नारीवादी में औरत और मर्द दोनों के लिए एक समान अधिकार की मांग की गई, जिसमें कि नारी सशक्तिकरण की मांग भी की गई थी। स्वीडन और नॉर्वे में भी यही चीज हुआ था कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर जो है काफी ऊंचा है। फिर पितृ प्रधान समाज होने के कारण यहाँ पर भी घर का मुखिया जो होता है वह पिता ही होता है, औरतों की तुलना में अधिकार उनको अधिक मिले हुए होते हैं। फिर देखेंगे 2001 की गणना के अनुसार भी भारत में पुरुष साक्षरता दर जो 76 है और महिलाओं की साक्षरता दर जो है 54% है। यहाँ भी अंतर देखने में आ रहा है। फिर लोकसभा में महिला सांसदों के प्रतिनिधित्व जो 10% से भी कम है, जबकि विधानसभा प्रतिनिधित्व में 5% से भी कम है। इस तरह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देखेंगे, स्थानीय निकायों में भी देखेंगे, तो महिलाओं की संख्या जो है 10 लाख से ज्यादा है। इस तरह से पारिवारिक कानून, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून भी पाए जाते हैं। उसी तरह से सांप्रदायिकता है, जब किसी धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरों के धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो इसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। फिर धर्म निरपेक्ष में जो है, इसमें सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है। इससे किसी भी धर्म को अपनाने की उसको आजादी होती है। वर्ण व्यवस्था, ये विभिन्न जाति समूहों के समाज का पदानुक्रम होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें निश्चित आयु के बाद उसको मत देने का अधिकार होता है। फिर जातिवाद, जाति के आधार पर लोगों का भेदभाव करना। और ये लिंग राजनीति धार्मिक प्रभाव पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है? जाति में, राजनीति में, धर्म में और लिंग, ये इस तरह से ये प्रभाव पड़ता है। अब देखेंगे लिंग। श्रम में भी लैंगिक विभाजन है, जैसे महिलाओं के घर के अंदर सारे काम करती हैं और पितृसत्ता समाज जो है वह सभी शक्ति पुरुष जो है साधारण हो जाती है। विधायिका में भी वैसे ही है, वहां पर भी प्रतिनिधि लोकसभा लगभग 19% है। स्थानीय सरकार में आरक्षण 1/3 है और नारीवादी और अन्य लोग जो है, कई संगठन जो विधायक महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग जो कर रहे हैं, जिसमें कि महिलाओं को बराबर का हक मिल सके या बराबर का अधिकार उनको मिल सके। इस तरह से हम देखेंगे कि श्रम लैंगिक विभाजन जो है, नारीवादी आंदोलन जो है, इसको हमने अभी आपको बताया, लघु उसमें कि स्मरणीय जो इस तत्व हमने आपको दिखाए हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लैंगिक विभाजन होता है। वहां पर देखेंगे घर के कामकाज महिलाओं द्वारा किए जाते हैं और बाहर के देखें और कुछ जो काम जो है नौकरों द्वारा किए जाते हैं, पुरुष जो है बाहर के कामकाज करते हैं। फिर नारीवादी आंदोलन, महिलाओं को कई अधिकार दिलाने के लिए नारीवादी आंदोलन किए गए हैं। हाल ही में लैंगिक मसलों को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियों के कारण भी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति काफी सुधर गई है। फिर यहाँ देखेंगे कुछ उदाहरण जैसे नीचे दिए गए हैं। जैसे पुरुषों में 76% के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता 54% है। ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफी कम है। फिर कई मसलों में देखा गया है कि पुरुषों की तुलना महिलाओं को कम वेतन मिलता है। कई जगह हम देखेंगे कि महिलाएं प्रतिदिन अधिक घंटे काम करती हैं, लेकिन आज भी हम अधिकांश परिवारों में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को अधिक प्रश्रय दिया जाता है। ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जिसमें कि कन्या को जो भ्रूण अवस्था में ही मार दिया जाता है और लिंग के अनुपात में महिलाओं के पक्ष को दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि महिलाओं के होने वाले अत्याचार कई मामले सामने आते हैं, जिससे घटनाएं घर में और घर के बाहर भी होती रहती है। इस तरह से देखते हैं कि नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत ये सारी चीजें, बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिर नारीवादी आंदोलन की आवश्यकता, नारीवादी आंदोलन की आवश्यकता इसलिए औरतों को सामाजिक स्थिति सुधार लाने के लिए, शिक्षा के लिए और मतदान के लिए, महिलाओं को राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, महिलाओं को राजनीतिक और वैधानिक दर्जे में ऊंचा उठाने के लिए, इस तरह से बहुत से कारण हैं जिसमें कि उनको बराबर का दर्जा देने के लिए कार्य करना पड़ता है। फिर समाज में महिलाओं की भूमिका,
यहाँ पर प्रचलित विश्वास जो है उसका चलन है कि औरतें काम केवल बच्चों की देखभाल करने के लिए और घर के काम के लिए होती हैं, और उनके कार्य का ज्यादा मूल्यांकन नहीं माना जाता है। आजादी के बाद भी औरतों की हिस्सा जो हिस्सा आता है, परंतु राजनीतिक जीवन में सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका ना के बराबर ही है। फिर सार्वजनिक जीवन में भी महिलाओं की भूमिका परिदृश्य बढ़ता है कि आज सार्वजनिक जीवन में भी परिदृश्य औरतों की भूमिका काफी हद तक बदल गई है, क्योंकि वह क्या बने वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, शिक्षक आदि के रूप में सार्वजनिक जीवन में भी अपनी भूमिका वे निभाती हैं। इसलिए हम देखेंगे सार्वजनिक जीवन में औरतों की भागीदारी जो है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे अधिक देशों में भी है, इसकी देशों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहां बराबर भूमिका रहता है। फिर महिलाओं के साथ भेदभाव तथा अत्याचार होते हैं, जिसमें कि महिलाओं की साक्षरता 54 यहाँ पर पुरुषों का 76 है। इस तरह से यहाँ पर भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में यहाँ पर इस प्रकार अब भी हम स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या होती है, क्योंकि उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाई हैं, क्योंकि माँ बाप की लड़कियों की जगह लड़कों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यदि 12वीं पास कर लिया तो उसकी अब उसके बाद शादी करनी, मतलब एक निश्चित ही रहता है कि उसके बाद आगे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, और लड़के को ही ज्यादा पढ़ाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है, दोनों को बराबर ही मौका दिया जाता है। फिर यहाँ देखेंगे कई पदों में जैसे ऊंचे पदों में जो पहुंचे महिलाएं भी पहुंच गई हैं, लेकिन अनुपात और भुगतान की संख्या बहुत कम है, और महिलाएं सांसद लोकसभा की संख्या 100% तक नहीं पहुंची है, जबकि प्रांतीय विधानसभाओं में 50% से भी कम है। फिर लड़की का जन्म जो है परिवार के लिए एक बोझ समझा जाता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार के कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों से भेदभाव किया जाता है। और जब लड़कों के जीवन में यापन करने के लिए कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, लड़कियों को रसोई तक ही सीमित रखा जाता है। फिर पितृ प्रधान समाज में पुरुष प्रधान होने के कारण सारे अधिकार जो हैं पुरुष को ही दिए जाते हैं, और एक पितृ प्रधान समाज माना जाता है। निजी और सार्वजनिक विभाजन, श्रम के लैंगिक विभाजन में अधिकतर महिलाएं घरेलू काम के अतिरिक्त आमदनी के कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। और मनुष्य जाति आदि औरतों का हिस्सा आधा है कि सार्वजनिक जीवन खासकर राजनीतिक में उनकी भूमिका नगण्य ही मानी जाती है, जबकि विभिन्न देश में महिलाओं के वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए हैं, इन आंदोलन में नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। फिर देखेंगे जीवन के विभिन्न पहलू जिसमें भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, उसके भी कई कारण, जैसे समाज में महिलाओं को निम्न समझना, बालिकाओं की उपेक्षा करना, और साक्षर दर के आधार पर ऊंची तनख्वाह वाले या ऊंचे पद पहुंचे हुए महिलाओं की संख्या कम है। फिर महिलाओं घर के काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है, पुरुषों की तुलना कम मजदूरी मिलती है, और लड़की के जन्म होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, और महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण, उन पर होने वाली हिंसा, ये सारे कारण बनते हैं। उसी तरह से सांप्रदायिकता है, संप्रदाय जैसे अनेक दूसरे धर्म से अपने धर्म को ऊंचा समझना या फिर दूसरे धर्म को नीचा समझना, इस तरह से सांप्रदायिकता होती है। फिर शिक्षा के द्वारा, प्रचार के द्वारा इन बुराइयों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा जिससे कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता बढ़ेगी, धर्मों के प्रति आदर बढ़ेगा। फिर प्रचार प्रसार द्वारा पथ में रेडियो टेलीविजन के माध्यम से जनता को धार्मिक सहिष्णु शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि ये सांप्रदायिकता जो है उसको बढ़ावा ना मिले। फिर धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति, लैंगिक विभाजन के विपरीत जो है धार्मिक विभाजन के अवसर पर राजनीतिक मैदान में अभिव्यक्त होता है, और धार्मिक विभाजन संप्रदाय कहते हैं, क्योंकि इसके कारण देश में झगड़े होते हैं और शांति भंग होती है, ऐसे वातावरण लोकतंत्र में पनप नहीं सकता। इसी तरह से संप्रदाय के अंतर कारण देश में घृणा और मतभेद भी उत्पन्न होते हैं, और एकता समाप्त हो जाती है। फिर एक धर्म के विचारों को दूसरे श्रेष्ठ माना जाता है, इससे भी धार्मिक समूह में अपनी मांगों को लेकर दूसरे समूह के विरोध में खड़ा हो जाता है, और इससे सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद से जोड़ा जा सकता है। फिर लोकतंत्र की सफलता के आधार पर आधार है जनता की सहनशील साझेदारी, बंधुत्व और सभी के विचारों के प्रति सहिष्णुता आदि, परंतु संप्रदायवाद के कारण सभी मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जिसमें क्या होता है, सांप्रदायिकता के रूप क्या है, दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, राजनीति का एक मानने की इच्छा, प्रति और धर्मगुरुओं की भावनाओं के अपीलों का प्रयोग करना, और हिंसा, दंगा और नरसंहार, ये सारे जो है वह सांप्रदायिकता के रूप होते हैं, और यही सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। फिर धर्म निरपेक्ष शासन, धर्म के संविधान में किसी भी धर्म के विरोध विशेष दर्जा नहीं देता है, और किसी भी धर्म का पालन करने का, प्रचार प्रसार करने की आजादी है।